डियर स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस ऑन द वैगनर्स लॉ, जिसे हम वैगनर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इस सिद्धांत को एडल्फ वैगनर ने 1980 में दिया था, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। यह सिद्धांत बताता है कि जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक उसी तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। देयर आर द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमें दो टर्म्स देखने को मिलते हैं, द फर्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेकेंड इज अ पब्लिक एक्सपेंडिचर। द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर हम उस खर्चे को कहते हैं जब कोई सरकारी अथॉरिटी अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा या फिर उनके वेल बिहेव के लिए खर्चा करती है। जैसे भारत सरकार जो खर्चा करती है अब यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी किसी भी सरकारी अथॉरिटी द्वारा खर्च किया जाने वाला व्यय। सेकेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कि जब आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है और साथ ही साथ जितने भी सोशल इंडिकेटर्स होते हैं जब बढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट्स मीन द क्वांटिटेटिव एंड अ क्वालिटेटिव चेंज इन द ह्यूमन लाइफ बींग। नाउ इस पूरी थ्योरी में हम चार पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हैं। तो पहला, रोल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, कि ये थ्योरी किन किन बातों पर ध्यान देती है। तीसरा, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसिस्टेंट इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। और चौथा या लास्ट, क्रिटिसिज्म। सबसे पहले रोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव करते थे फ्री मार्केट इकोनॉमी, देयर इज अ लेसेस फेयर पॉलिसी, दे फॉलो द लेसेस फेयर पॉलिसी, यानी किसी प्रकार का कोई भी इंटरवेंशन नहीं बाय द गवर्नमेंट। उनका ये मानना था कि जब लोग अपने लिए कार्य करते हैं, यानी अपनी बेनिफिट के लिए जब कार्य करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है एक एक गवर्नमेंट के एक इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में। यानी सरकार को एक राष्ट्र के डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन कार्य करने चाहिए। वो होता है, पहला होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी, दूसरा एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एंड तीसरा होता है द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड पब्लिक अथॉरिटीज। इसके साथ ही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये जो ये बातें कही, लेकिन 1930 की जब मंदी आई तो उसके बाद केन्स ने कहा कि नहीं, इन द क्राइसिस पीरियड गवर्नमेंट का जो रोल हो जाता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी लोगों, यानी जनता की भलाई के ऊपर खर्च करना, ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग पावर हो, फिर वो दोबारा उन सामानों को खरीद सके। तो इट्स मीन कि गवर्नमेंट इज नॉट अ वनली इन्वेस्टर, इट्स ऑल्सो अ सोशल मैक्सिमाइजर। गवर्नमेंट चाहे तो अपने राज्य का एक अच्छा खासा डेवलपमेंट कर सकता है। नौ, कि ये थ्योरी अब क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि देयर आर द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक सेक्टर। यानी कि जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाता है ड्यू टू द ओवर द टाइम पीरियड। यानी समय के साथ साथ इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बढ़ता जाता है। गवर्नमेंट के जो कार्य होते हैं वो आपके एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव दोनों तरीके से बढ़ने लगते हैं। एक्सटेंसिव मीन्स कि जो कार्य वो करते आ रहे थे, अब और उसके अलावा भी दूसरे दूसरे कार्य करना। जैसे पहले सरकार अगर रोड बनाती थी, अब पुल बनाने लगी है, फिर रेलवे बनाने लगी है। यानी एक क्षेत्र के साथ साथ कई क्षेत्रों में काम करना। इंटेंसिव एक्टिविटी कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट पहले प्राइमरी सेक्टर पे काम कर प्राइमरी एजुकेशन पे काम करती थी, अब हायर एजुकेशन पे काम करने लगी है, मिडिल एजुकेशन पे काम करने, यानी जो कार्य वो करती थी उसको और डीपली करते रहना। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि हम पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपेंडिचर एंड द वेलफेयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर। वेलफेयर वेलफेयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स को हम लोग सब लोग जानते हैं कि
जैसे गवर्नमेंट जो परिवार कल्याण के लिए कार्यक्रम निकालता है या फिर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील या पोशाक योजना या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, ये सारे कार्य जो सरकार द्वारा किए जाते हैं उसको हम वेलफेयर रिलेटेड वर्क कहते हैं या वेलफेयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, ना द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर। एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर यानी कि किसी भी देश को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा जो डिफेंस पे खर्चा किया जाता है या फिर आपका आर्म्स पे खर्चा किया जाता है या आर्मी को रखने के लिए खर्चा, आर्मी के लिए खर्चा किया जाता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नॉ द इंटरनल एक्सपेंडिचर यानी कि इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च, बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, इन सब चीजों पे खर्च, इसको हम लोग इंटरनल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। फिर इस ये वैगनर्स कहते हैं कि द इलेसिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ ग्रेटर देन वन, यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप की इलेसिटी होती है वो लोगों के होने वाली इनकम से ज्यादा होती है। फिर ये कहते हैं कि दे ऑल्सो डिस्क्राइब द सम वेरिएबल्स विच अफेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके साथ ही साथ ये कहते हैं कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिमांड एंड सप्लाई के सप्लाई ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को अफेक्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज को तीन भागों में डिवाइड किया। पहले वो फैक्टर जो डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, दूसरे वो फैक्टर जो डिमांड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करते हैं, और तीसरे वो फैक्टर जो सप्लाई ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो देखते हैं जिसमें कि डिमांड और सप्लाई ऑफ पब्लिक, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के डिमांड और सप्लाई दोनों को एक साथ अफेक्ट करते हैं। तो उनमें सबसे पहली बात होती है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय किसकी कितनी, जितनी ज्यादा होगी लोग उतने ज्यादा डिमांड करेंगे और सरकार उस पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए उतना ही ज्यादा खर्च करती है। दूसरा डेंसिटी एंड द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हमारा पॉपुलेशन क्या घनत्व कितना है या किस रेट से बढ़ रहा है, ये भी डिपेंड करता है आपके डिमांड और सप्लाई के ऑफ एक्सपेंडिचर को घटाने या बढ़ाने के लिए। फिर बात करते हैं डिमांड ऑफ एक्सपेंडिचर, वो कौन से वेरिएबल्स है। फर्स्ट वेरिएबल इज अर्बनाइजेशन, कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जाता है यानी शहरीकरण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शहर में रहने वाले लोगों को नई नई चीजों की आवश्यकता होती है और वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिमांड करते हैं। दूसरी लिटरेसी लेवल ऑफ पीपुल, यानी लोगों का जो साक्षरता लेवल होता है वो जितना ज्यादा वो साक्षर होते हैं उतने ही अधिक वो जागरूक होते हैं और वो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाते हैं कि नहीं हमें इन चीजों की आवश्यकता है या किन चीजों की। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई अगर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट अगर पढ़ा हुआ है, साक्षर है, तो उसको ये पता होता है कि हमारे लिए कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, तो वो उस हिसाब से अपनी चीजों को डिमांड करता है। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर गरीब लोग हैं तो वो अपने वेलबींग के लिए ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे लोगों से, सरकार से, कि हमारे पर ज्यादा खर्चा किया जाए। अगर कोई हायर ग्रुप इनकम है तो वो अपने हिसाब से चीजों की डिमांड करता है सरकार से कि हमें किन चीजों की आवश्यकता, तो उन चीजों की पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाए। एज कॉम्पोजिशन, अगर ओल्ड एज हमारे यहाँ ज्यादा है तो वो डिमांड करेंगे हेल्थ फैसिलिटी के लिए। अगर चूंकि भारत को हम एक भारत एक युवा कंट्री है तो यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, तो यहाँ के जो युवा है वो नौकरी की डिमांड कर सकते हैं। नौकरी की जब डिमांड करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना होगा गवर्नमेंट को। फिर अल्टरनेट पब्लिक सर्विसेज, यानी जो दूसरी तरीके की पब्लिक सर्विसेज होते अगर उनकी भी व्यवस्था होती है तो लोग उसकी डिमांड करते हैं, तो इन सब चीजों पे पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। नाउ अब वो फैक्टर की चर्चा करते हैं जो सप्लाई ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करता है। सबसे पहले द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट किस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। जैसे लेबर इंटेंसिव गुड्स या फिर कैपिटल इंटेंसिव गुड, अगर लेबर इंटेंसिव गुड्स की सप्लाई ज्यादा होती है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे ही वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की सप्लाई को बढ़ाना चालू करता है तो उसके खर्चे लगातार बढ़ते जाते हैं। फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि
प्रोडक्शन की क्वालिटी किस तरीके, यानी दो तरीके की क्वालिटी, दो तरीके के प्रोडक्शन होते हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। किस तरह के प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है सरकार, फिर उस हिसाब से उसके खर्चे, अगर कंज्यूमर गुड्स को बढ़ावा देती है तो उस हिसाब से उसके खर्चे बढ़ते जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कैपिटल गुड्स की तरफ बढ़ता जाएगा, हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करेगा, वैसे वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। फिर आता है इंटर गवर्नमेंट ग्रांट, यानी कि हम सब जानते हैं कि भारत एक थ्री टायर गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। इन तीनों के बीच में जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी, जितनी ज्यादा ग्रांट्स एक दूसरे के बीच में डिवाइड होगा, उतना ही ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर की सप्लाई को बढ़ाई जा सकती है। नाउ हम ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। हियर एक्स एक्सिस पे हमने पर कैपिटा इनकम को दिखाया है एंड वाई एक्सिस पे हमने पर कैपिटा आउटपुट को दिखाया है। ए वन लाइन शो कर रहा है कि इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट रिलेशनशिप है जो लगातार बढ़ता जाता है, बट ओवर द टाइम पीरियड ये जो रिलेशनशिप है कुछ वो स्टीप हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, अगर हमारा पर कैपिटा आउटपुट यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे उसके साथ बढ़ता जाता है, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। नाउ वैगनर्स ने उन फैक्टर्स की भी चर्चा की जिनकी वजह से हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसिस्टेंट इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो उनमें सबसे पहला एक फैक्टर है कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ सोशल सर्विसेज, यानी सरकार लगातार जितनी ज्यादा सोशल एक्टिविटी को बढ़ाती है उसके एक्सपेंडिचर्स उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन, ये जितने हैं सब इसके सोशल सर्विसेस हैं। सेकंड, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे सरकार को उनके रखरखाव या उनके उनके जीवन यापन के लिए लगातार खर्चे बढ़ाते रहना पड़ता है। तीसरा, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, लगातार हम भी देखते हैं कि डिफेंस पे लगातार एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। फोर्थ इज अर्बनाइजेशन, हम सब जानते हैं शहरीकरण बढ़ेगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की डिमांड बढ़ती जाएगी। फिफ्थ इज बिजनेस साइकिल, हम सब जानते हैं कि जो ट्रेड साइकिल होता है या बिजनेस साइकिल होता है उसके चार पार्ट्स होते हैं, बूम, रिकवरी, रिसेशन, डिप्रेशन। इन चारों स्थिति में पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे अगर बूम की स्थिति है तो सरकार कम खर्चा कर सकती है, लेकिन अगर जैसे डिप्रेशन का होता है पीरियड होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, टाइम टू टाइम हर कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ती जाती है, जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मशीन पहले 100 रुपए की मिलती थी, अगर अब वो प्रेजेंट टाइम में 200 रुपए की हो गई, तो अब सरकार को नए रेट के हिसाब से 200 रुपए देने पे करने होंगे। तो इस हिसाब से अगर गुड्स की प्राइसेस बढ़ती है तो सरकार के खर्चे बढ़ते जाते हैं। नाउ द लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल चेंज, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्निक चेंज होती जाती है वैसे वैसे न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए सरकार को उस पर खर्च करने पड़ते हैं। नाउ द लास्ट में हम आते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे। ये जो वैगनर्स लॉ है, इन्होंने जो अपनी बातें कही कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये एक लॉन्ग रन में होता है, इट इग्नोर द शॉर्ट रन इम्पैक्ट। लेकिन शॉर्ट रन में डेवलपमेंट और पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में वैगनर्स लॉ साइलेंट है। सेकंड, द इन्फ्लुएंस, इग्नोर द इन्फ्लुएंस वॉर, वैगनर्स लॉ ने एक सामान्य परिस्थिति की चर्चा की, लेकिन जब वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट किस तरह से खर्च करेगा या क्या उसका रोल होगा, इसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की। मतलब इज टॉकिंग अबाउट ओनली द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, हम सब जानते हैं कि वॉर के टाइम पे जो खर्चे उसे हम नॉन प्लान्ड कहते हैं, तो इन्होंने प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बारे में तो चर्चा की बट नॉन प्लान्ड के बारे में डिस्कशन नहीं किया अपनी थ्योरी में। एंड द लास्ट, नॉट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, यानी इनकी जो ये सारी जो थ्योरी है इट्स जस्ट अ क्रूशियल हिस्ट्री फैक्ट, इन्होंने किसी तरीके का कोई एम्पिरिकल टेस्टिंग करके या कुछ करके इन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश नहीं किया, बट ओनली अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। सो
सो थैंक यू।